नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज दो टीमें लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी और ये दो टीमें हैं अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी जिसकी शुरुआत आज यानी कि 6 नवम्बर बुधवार से हो गई है। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में बुधवार को पहला वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैच होने वाले हैं। इसके पहले सोमवार को अभ्यास मैच में मिली हार के बाद वेस्टइंडीज टीम ने अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में तकरीबन 3 घंटे लगातार पसीना बहाकर ये संकेत दिया कि उनकी टीम किसी भी हाल में सीरीज में हारना स्वीकार नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर भारत में अपने तीसरे होम ग्राउंड में जीत से आगाज करने वाली अफगान टीम के हौसले बुलंद दिखे। टीम मंगलवार को सुबह के सत्र में अभ्यास करने भी पहुंची। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने अभ्यास किया जबकि कप्तान राशिद खान और कोच लॉन्स क्लूजनर बुधवार को होने वाले मुकाबले को लेकर रणनीति बनाते दिखे। अगर अभ्यास मैच को आधार माना जाए तो अब तक अफगानिस्तान टीम ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। तो एक बार फिर लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट के रोमांच के लिए बिल्कुल तैयार है और आज अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच यहां पर एक मैच खेला जाना है। तो दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार विजेता कौन बनता है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।